नमस्कार किसान भाइयों, आपका मेरे चैनल किसान में स्वागत है। तो किसान भाई, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फेदे प्लांट को लगाने से कैसे हो रहा है किसान भाई को ढेर सारा मुनाफा। तो किसान भाई, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेशल होने वाली है। तो किसान भाई, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी नई से नई वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पर, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलो किसान भाई, वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले किसान भाई, मैं आपको अलग अलग प्रकार के और बढ़िया हाइब्रिड क्वालिटी के यूकेलिप्टस के प्लांट की वैरायटियां दिखा देता हूं। तो किसान भी, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये आपको जितने भी यूकेलिप्टस के प्लांट दिख रहे होंगे, ये टोटल जो हाइब्रिड क्वालिटी के यूकेलिप्टस के प्लांट हैं। और देख सकते हैं आप किसान भी, वीडियो में प्लांट देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं। और जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये क्लोन पीतस वैरायटी, और आपको हमारे पास से चार वैरायटी देखने को मिल जाएगी। क्लोन पीतस वैरायटी 288, 405 और 270, जो मैंने आपको ये चार वैरायटी बताई है, ये सबसे बेस्ट वैरायटी है और काफ़ी ज़्यादा इनकी बढ़िया परफॉर्मेंस है और आंख बंद करके लगाने वाली वैरायटी है। तो किसान भी, आप वीडियो में प्लांट क्वालिटी देख सकते हैं, प्लांट देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। और लगभग जो है प्लांट की हाइट में आपसे बताऊं तो प्लांट की हाइट 1 से 1.5 फुट के अंदर आपको प्लांट की हाइट हमारे पास से जो है देखने को मिल जाएगी। जो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं, काफ़ी बड़े प्लांट होते हैं, एक तो प्लांट हाइब्रिड होता है और इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया होता है। एक साथ प्लांट चलते एक समान ग्रोथ होता है, समान वेट लेता है, समान हाइट लेता है और काफ़ी इनका बढ़िया रेट आपको जो मार्केट में मिल जाएगा देखने को। तो बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं प्लांट की क्वालिटी, प्लांट देखने में काफ़ी बड़े लग रहे हैं। और ये क्लोन पीतस वैरायटी है और आपको हमारे पास से चार वैरायटी देखने को मिल जाएगी। जो क्लोन पीतस वैरायटी होती है, काफ़ी बढ़िया वैरायटी होती है। जो इनकी हाइट आपको देखने को मिलेगी, हाइट आपको 70 से 75 फुट तक देखने को मिल जाएगी। और इनका जो आपको वेट देखने को मिलेगा, वेट भी आपको जो है आप मिनिमम मान सकते हैं कि आपको 2.5 क्विंटल जो है इसका आपको मिनिमम वेट देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम के समय कुछ भी हो सकता है, आपकी केयर के ऊपर है, आप किस हिसाब से इसमें केयर करते हैं, किस प्रकार से आप इनका ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से ये आपका वेट लेगा, हाइट लेगा। बाकी अगर आप बढ़िया तरीके से इनकी केयर करते हैं तो 5 से 5.5 साल में इसका वेट, अगर ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप केयर करेंगे तो इनका वेट 3 से 3.5 क्विंटल तक भी आपको जो मिल जाएगा देखने को। तो बाकी 5 से 5.5 साल में प्लांट बढ़िया तरीके से रेडी हो जाते हैं और कटवाने के जो है लाइक हो जाते हैं। कि अगर आप बल्ली इनसे लेना चाहते हैं, बल्ली तैयार करना चाहते हैं, तो 3 साल में बढ़िया प्लांट जो है बल्ली के लिए तैयार हो जाता है और आप जो इनको कटवा सकते हैं 3 साल में कटवा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको बढ़िया वेट चाहिए, बढ़िया हाइट जो है चाहिए, तो आप थोड़े जो है साल रुक के 5 से 5.5 साल में इनको कटवा सकते हैं और बढ़िया आपको इससे हाइट और वेट देखने को मिल जाएगा। तो बाकी समय जो यूकेलिप्टस की खेती है, काफ़ी बढ़िया खेती है और काफ़ी ज़्यादा जो मुनाफेदायक खेती है। बाकी अगर आप स्फेदे प्लांट को लगाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो इससे मुनाफा मिलने वाला है, क्योंकि जो स्फेदी खेती है काफ़ी ज़्यादा मुनाफेदायक खेती है और हर एक जो फार्मर अपने खेतों में यूकेलिप्टस के प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि जो इनकी खेती है काफ़ी आसान है और हर कोई जो है छोटे से लेके बड़ा फार्मर जो है अपने खेतों में थोड़े जो 100-200 भी प्लांट लगा के लाखों में इनसे जो है कमाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप 1 एकड़ में प्लांट की लगा के अगर स्फेदे प्लांट लगाते हैं तो आपको 5 से 5.5 साल में 25 से 30 लाख का जो है इनकम हो जाएगा। तो किसान भाई, आप खुद ही देख सकते हैं कि 1 एकड़ में जो है 800 प्लांट लगते हैं तकरीबन, और 800 प्लांट से आपको 25 से 30 लाख का जो इनकम मिलेगा। तो बाकी काफ़ी बढ़िया खेती है और काफ़ी ज़्यादा मुनाफेदायक खेती है अगर आप इनकी खेती ज़्यादा बड़ी एरिया पर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा अगर प्लांट लगाते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो करोड़ों में कमाई होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए खेती मुनाफेदायक सिद्ध होने वाली है। तो बाकी समय इनका रेट अभी जो मार्केट में चल रहा है वो 1200 से लेके 1300 रुपये क्विंटल चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा इनका बढ़िया रेट जो है देखने को मिल रहा है। तो बाकी समय जिस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस है और जिस हिसाब से इनको जो पसंद किया जा रहा है पंजाब में, तो उस हिसाब से इनका वेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। बाकी अगर आप यूकेलिप्टस के प्लांट लगाना चाहते हो तो ये बेस्ट समय आप यूकेलिप्टस के प्लांट को लगा सकते हैं और आने वाले समय में इनका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और काफ़ी ज़्यादा आपको जो इससे मुनाफा होने वाला है। तो बाकी अगर किसान भी, आपको यूकेलिप्टस की बढ़िया वैरायटी चाहिए और आपको हमारे पास से बढ़िया और हाई क्वालिटी के यूकेलिप्टस के प्लांट चाहिए, तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो होगा, तो आप हमें जरूर संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे पास से बढ़िया और पूरी गारंटी, पूरी प्योरिटी के साथ यूकेलिप्टस के प्लांट मिल जाएंगे। तो बाकी किसान भी, आप बात करते हैं कि किसान भी को कैसे हो यूकेलिप्टस के प्लांट को लगाने से ढेर सारा मुनाफा। तो बाकी समझे, आप समझ ही गए होंगे कि आजकल जैसे स्फेदे के प्लांट लगाए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो खेतों में, तो इनको पंजाब में किसान भी, जो मैंने आपको ये चार वैरायटी बताई है जो सिलेक्टेड वैरायटी है, तो बाकी समझे जो यूकेलिप्टस की वैरायटी हैं काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हैं, 40 से लेकर जो है 45 तक इनकी वैरायटी हैं, पर जो सिलेक्टेड वैरायटी हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, वो चार वैरायटी हमने जो सिलेक्ट की है और इनकी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो
मनोरमा के सामने इनका रेट काफ़ी ज़्यादा जो है धीरे धीरे जब बढ़ रहा है, क्योंकि जो इनकी मांग है काफ़ी ज़्यादा जो है प्लाई फैक्ट्री वाले इनको ढूंढ रहे हैं। अगर आप स्पेदी की बढ़िया वरायटी लगाते हैं, हाईब्रिड क्वालिटी के यूकेलिप्टस के प्लांट लगाते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो इनसे बढ़िया मुनाफा मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा आपके इनसे जो है आपको उच्च रेट जो है मार्केट से मिलेंगे। और बाकी आप किसान भी यूकेलिप्टस की खेती करके आप ढेर सारा जो इनसे मुनाफा कमा सकते हैं। और बाकी किसान भी आपकी कम मेहनत है, बस एक आपको शुरू शुरू में एक डेढ़ साल जो प्लांट की भरपूर तरीके से केयर करनी है, गुडाई का आपको खाद ध्यान रखना है, और एक साल के बाद जो उसमें खाद उद का आपको जो जरूर ध्यान रखना है, बाकी आपको पानी का आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अभी गर्मी का महीना है और आपको महीने में जो है 2 से 3 बार जरूर पानी लगा देना है, क्योंकि प्लांट अगर आप लगाना चाहते हैं तो शुरू शुरू में प्लांट छोटे रहते हैं तो उनमें इतनी जान नहीं रहती है, तो ज़्यादा धूप पड़ने की वजह से प्लांट जो सूख जाते हैं, तो आपको पानी का जरूर ध्यान रखना है। अगर किसान भी आप 5-5.5 साल तक जो प्लांट का बढ़िया तरीके से केयर कर लेते हैं, देखभाल कर लेते हैं, तो किसान भी आप यकीन माने कि आपको इनसे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा और काफ़ी ज़्यादा आप जो इनसे इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। बाकी यूकेलिप्टस खेती आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो मुनाफेदायक खेती है, बाकी अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और बाकी मैं किसान भी आपसे जो यही कहूँगा कि आप एक बार जरूर यूकेलिप्टस की खेती करके देखें। तो बाकी किसान भी आज की वीडियो में इतने, अगर आपको हमारी वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर नई से नई वीडियो अपलोड करूँ आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो किसान भी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।